हेलो दोस्तों, सी एस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं डाइविंग से क्वेश्चन लाया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन निश्चित तौर पर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुँच सके। मेरा वीडियो रात के 9 बजे अपलोड होता है, तो आप सोने से पहले टॉप 10 क्वेश्चन जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेलर के नियमित सक्षमता प्रमाण पत्र की वैधता कितने दिनों की होती है? तो चार ऑप्शन दी गई है और आप लोगों के लिए 5 सेकंड में दूंगा अलार्म लगा के, तो आप लोग हमें कमेंट में आंसर देते जाइएगा। बहुत दोस्तों का तो कमेंट बॉक्स दिखता भी नहीं कि किधर है, तो इसलिए आप लोग जरूर हमें कमेंट करें कैसा क्वेश्चन है या नहीं, या सही लग रहा है आपको या नहीं लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी ठेके विशेष में बेल्ट किए गए कुल जोड़ों में खराब बेल्ट जोड़ों का प्रतिशत निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए, 5% से, 2% से, 9% से और 1% से। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कल एक फॉर्म भरने के लिए बोला था, जो आप लोग संशय में होंगे तो फॉर्म को बिल्कुल फ्री में भरा रहा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जब एग्जाम की स्टार्ट की जाएगी तब आप लोगों के लिए सिर्फ एग्जाम शुल्क के लिए 20 रुपया जो है मैसेज करके बताया जाएगा, और तभी आपसे ली जाएगी, आप अगर इच्छुक होंगे तब। तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप साप्ताहिक परीक्षा देकर और अपना रैंक देख सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो मैं इस वीडियो के लिंक में फ्री वाला डाल दिया हूँ, तो आप लोग फ्री में भी ऑनलाइन प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो जी निश्चित तौर पर आप लोग जरूर ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिएगा, जो फ्री वाला मैं लिंक नीचे में डाला हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन, सेकेंड हैंड रेल पर 80 बेल्डिंग के लिए 52 किलोग्राम रेल की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 163 mm, बी 156 mm, सी 172 mm और डी 150 mm। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 150 mm। अगला प्रश्न है, 80 बेल्ट पर संक्षारण रोधी पैंट की दूसरी कोट कितने घंटे बाद कर देनी चाहिए? ए 2 घंटे बाद, बी 6 घंटे बाद, सी 8 घंटे बाद और डी 3 घंटे बाद। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 8 घंटे बाद। अगला प्रश्न है, शेष पर वेल्डिंग करने के लिए पूरी रेल को दोनों ओर डैश लकड़ी के घुटकों पर सपोर्ट किया जाएगा। आप लोग देखते होंगे जब वेल्डिंग किया जाता है शेष पर, तो कितना घुटका लगाया जाता है, तो आप लोग को पता होगा ए 10, बी 5, सी 15 और डी 2। तो चलिए आपको बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 10। अगला प्रश्न है, रेलों और लॉ बेल्डिंग के लिए प्रस्तावित बेल्ट के दोनों ओर कम से कम 10 स्लीपरों की फिटिंग को दोनों ओर ढीला किया जाएगा, ए 10 स्लीपर, बी 20 स्लीपर, सी 5 स्लीपर और डी 6 स्लीपर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी 5 स्लीपर। अगला प्रश्न है, पुरानी रेलों को बेल्डिंग करते समय ऊंचाई में अंदर 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा अंतर को डैश की तरफ रखा जाए, 3 mm गेज फेस, 2 mm गेज फेस, 1.2 mm गेज फ्लैंज, सी सॉरी डी में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1.2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए और तथा फ्लैंज की तरफ रखा जाए। चलिए अगला प्रश्न है, नए तैयार वेल्डेड जोड़ पर वेल्ड मेटल की टैंपिंग के डैश बाद गाली पास की जानी चाहिए, ए 60 मिनट बाद, बी 30 मिनट बाद, सी 45 मिनट बाद और डी तुरंत। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 30 मिनट के बाद। अगला प्रश्न है, तैयार जोड़ की साइड फिनिशिंग का 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज के सेंटर पर फिनिशिंग टॉलरेंस है, प्लस माइनस 0.5 mm, प्लस माइनस 0.3 mm, प्लस माइनस 1.0 mm, प्लस माइनस 0.7 mm।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 0.3 mm। अगला प्रश्न है, 18 बेल्डिंग से पूर्व रेल सिरे की सतह और साइज से संपूर्ण रेल खंड को 1.5 mm दूरी तक केरोसिन और तार ब्रश से साफ किया जाएगा। तो आप लोग देखते होंगे जब बेल्डिंग की जाती है तो उसको तार ब्रश से बेल्डर जो होता है उसे साफ करता है। बताना है कितना एमएम तक साफ किया जाना चाहिए, ए 20 mm, बी 40 mm, सी 50 mm और डी 100 mm। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 50 mm। तो मैं लिंक दे दिया हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के, तो आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस करके। और मैं इसी तरह ऑनलाइन प्रैक्टिस जो है आप लोगों को जो है अलग सॉफ्टवेयर से मैं करवाऊंगा, तो आप साप्ताहिक अगर देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो लिंक फॉर्म भरने का दिया हुआ है तो उसे आप जरूर भरिएगा और बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको कोई रुपया नहीं लगेगा। तो आप लोग जरूर अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल के भरिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।